सरकार ने पहले से ही आज ही नहीं पिछले 2016 फरवरी में ही एक सर्कुलर निकाला था, देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े, कैशलेस की ओर देश बढ़े, लेस कैश इकोनॉमी की ओर देश बढ़े, इसीलिए जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें से ग्राहकों के ऊपर उसकी कोई बोझ ना आए, ये एक निर्णय 2016 फरवरी में सरकार ने किया था। सरकार उस फैसला को अमल करवाएगी। आने वाले दिनों में भी जितने भी प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, विशेष करके पेट्रोल पंप में हम लोगों ने यह तय किया है, ग्राहकों के ऊपर उसकी कोई पासन नहीं होगा। बाकी एक व्यवसायिक कारोबार है, पोस्ट मशीन लगती है, उसकी कुछ कॉस्ट है, उसकी कुछ सर्विस चार्जेस है, ये सारे जो उसमें स्टेक होल्डर है ये एक बिजनेस मॉडल पे वार्ता कर रहे हैं। उसकी हीट, उसकी एमडीआर की हीट, एमडीआर के बारे में भी रिजर्व बैंक ने एक नई गाइडलाइन दे दिया है, 1000 रुपया के नीचे कितना आएगी, 2000 रुपया के नीचे कितनी लगेगी और 2000 रुपया के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे कितनी कॉस्ट आएगी एमडीआर, इसके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइन पे सबको चलना पड़ेगा। लेकिन उसकी हीट कौन लेगा, बैंक, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये दोनों बात कर रहे हैं। हम कल भी आश्वस्त किए थे, जो रिटेल आउटलेट ओनर है, पेट्रोल पंप वाले हैं, ये तो एक कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनके ऊपर भी हम कोई पासन नहीं करें, उनके ऊपर भी कोई बोझ नहीं डालेंगे, ये भी हमने तय किया है। बाकी बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनी दोनों इस विषय पे बात चर्चा कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में एक मैकेनिज्म निकाल दिया जाएगा, जिसकी आउटकम मैं पहले से ही बता दूं, ग्राहकों के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, पेट्रोल पंप ओनर के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा।